शांति, आत्म अभिमानी स्वदर्शन चक्रधारी शिव शक्ति पांडव सेना को गॉडली मॉर्निंग। गर्मी के मौसम में हम ब्राह्मणों का संसार के प्रति क्या कर्तव्य है, बाबा आज बताते हैं। कौन सी गर्मी है, कौन सी अग्नि है, ये हम विस्तार से मुरली में समझेंगे। आज बाबा अपनी महिमा और कर्तव्य दोनों बताते हैं। बाबा तो अपना सेवा का पाठ बजा ही रहे हैं, हमें किस तरह से सोशल वर्क करना है, क्यों करना है, वो भी पॉइंट है। हमको हमारे बाबा से क्या मंत्र मिला है, ये बात हमें सबको बतानी है, समझानी है। इस संसार में हर आत्मा से हमारा अटूट प्यार स्नेह कैसे हो सकता है, जानने के लिए सुनते हैं त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर 3 मई 2023 की मीठी शीतल मुरली। मीठे बच्चे, ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, तुम्हें हरे को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियां, बाबा हैं ज्ञान सागर, हमें खुद को भरना है। हम हैं बादल, बाबा कहते हैं ना, भर कर जाओ और सभी पर ज्ञान बरसात करो। तो आज बाबा हमें टाइटल देते हैं कि तुम सब शीतल देवियां हो, ज्ञान के ठंडे छींटे हमें सब पर डालने हैं। सब परेशान होते हैं ना, सबको अपनी समस्याएं हैं, सभी दुखी हैं, तो सबको बताना है हमारे दुख का कारण क्या है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सबका भला करेंगे तो हमारे साथ भी भला होगा। इस तरह से सबको राहत पहुंचानी है, ज्ञान के ठंडे छींटे सब पर डालने हैं। बाबा जो हमें सिखाते हैं वो बात हमें सबको समझानी है। ऐसी शीतल देवियां हमको बनना है, तब मिलेगी सबको गर्मी से, दुखों से राहत। प्रश्न है, बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? उत्तर में बाबा कहते, ज्ञान का कलश मिला है पहले स्वयं को शीतल बनाकर, फिर सर्व को शीतल बनाने के लिए। खुद की भी प्यास बुझानी है, खुद के जो प्रश्न थे उनके उत्तर मिले, औरों की भी प्यास बुझानी है, औरों पर भी ज्ञान जल छिड़कना है, वो भी सब तप रहे हैं ना। तन तप रहा है, मन तप रहा है, हर तरफ देखो अग्नि ही अग्नि है। तो बाबा कहते हैं पहले आप खुद शीतल बनो और फिर सबको शीतल बनाओ, इसलिए आपको ज्ञान का कलश मिला है। इस समय हरेक काम अग्नि में जल रहा है, उन्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके, इसलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है, तुम्हारी यह रूहानी सेवा है। बाबा हम सेवाधारियों को कह रहे हैं कौन सी रूहानी सेवा करनी है, हर रूह को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है, उन्हें पवित्र बनाना है। जब हम ये कार्य करेंगे, हम खुद पवित्र शीतल बनेंगे, तभी हम देवता बन सकते हैं। हर आत्मा इस समय कामचिता पर चढ़ी हुई है, उनको उतारना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है, इसलिए बाबा ने हमें ज्ञान का कलश दिया है। हम सब हैं शीतल देवियां। गीत बजा। जो पिया के साथ हैं
उनके लिए बरसात है। तो पिया माना जो बाप के साथ हैं उनके लिए बरसात है, जो ज्ञान सागर के साथ हैं उनके लिए ज्ञान की बरसात है। अब बरसात और बाप, देखो बारिश का मौसम भी आने वाला है, तो ये तो ज्ञान बरसात की बात है। तो भला बाप की बरसात कैसे? वंडर खाएंगे ना, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। यह है ज्ञान बरसात, तुमको शीतल देवियां बनाने लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत, गर्म। शीतल का ऑपोजिट, विरोधाभासी शब्द क्या है? तपत, गर्म। तो तुम्हारा नाम ही है शीतल देवी। तो शीतल देवी कब बनना है हमें? ज्वाला देवी कब बनना है? शीतला देवी बनना है, ज्ञान बरसात करनी है। कोई क्रोध करे तो हमें शीतल देवी बनना है। और ज्वाला देवी कब बनना है? योग में, हमें अपने विकारों को योग अग्नि से भस्म करना है। तो तुम्हारा नाम ही है शीतल देवी। एक तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगी जिन्हों से भारत शीतल बनता है। इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहाँ शीतला देवियाँ हैं, शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियाँ। छींटा डालने जाते हैं ना, देखो शीतला देवी के चरणों में पानी डालकर वो पानी भी लोटे में भरते हैं, सब जगह डालते हैं। तो बाबा कहते हैं छींटा डालने जाते हैं ना, यह है ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। ऐसे भी देवी देवताओं के चरणों का जो पानी रहता है, जो उनको नहलाते हैं, चढ़ाते हैं जल, वो सब जगह छींटे डालते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान छींटे डालने की बात है जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा प्योर बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को, कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और औरों को भी बनाते हो। यह भी शीतल बनी है ना, दोनों इकट्ठे बैठे हैं ना, घर बार छोड़ने की बात नहीं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण। देखो बाबा मम्मा दोनों हिस्ट्री हॉल में मुरली चलती थी, तो दो संदली लगी हुई है, एक तरफ बाबा बैठते थे एक तरफ मम्मा। तो बाबा कह रहे हैं शिव बाबा, यह भी शीतल बनी है ना, दोनों इकट्ठे बैठे हैं ना, घर बार छोड़ने की बात नहीं। लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। कभी युगल है, कोई तो युगल चलते हैं, कोई एक पार्टनर चलता है, दूसरे पार्टनर को चलना है, मजबूरी है, नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर कईयों ने घर भी छोड़ा। तो ये सब की अपनी अपनी कहानी है। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तभी तुम देवता बन सकेंगे। बाबा ने समझाया भी है, जब तक तुम्हारे द्वारा कोई आस्तिक नहीं बना है तो गोया नास्तिक ही है। सबसे पहले बाबा आकर खुद अपना परिचय देते हैं हमें, हमें आस्तिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं अब यही बात तुम औरों को बताओ, नहीं तो वो भी नास्तिक हैं, भगवान को मानते हैं लेकिन यथार्थ जानते नहीं हैं। तो बीके जो समझाए, जो हमने समझा है, ज्ञान छीटा डाला है औरों पर, तो फिर वो भी सच्चे सच्चे आस्तिक बन सकते हैं, नहीं तो नास्तिक ही हैं। आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं, नास्तिक दुनिया वाले लड़ते झगड़ते हैं। देख रहे हैं ना धर्म के नाम पर कितने झगड़े हो रहे हैं। यदि एक ही भगवान के बच्चे हैं, सब भगवान को पहचानते हैं, समझते हैं, तो आपस में क्यों लड़े? नहीं पहचानते तभी तो लड़ रहे हैं ना। तो आस्तिक है या नास्तिक है? तो नास्तिक किसको कहा जाता है? जो मुझ अपने पारलौकिक परम प्रिय परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। खुदा खुद आकर अपना परिचय दे, खुदा को खुदा द्वारा जानना, ये है आस्तिक पना। जो नहीं जाने तो वो नास्तिक। तो बाबा कहते हैं कि जो मुझ अपने पारलौकिक परम प्रिय परम पिता परमात्मा को नहीं जानते तो वो नास्तिक हो गए। सारी दुनिया में घर घर में रोला है क्योंकि परमपिता परमात्मा को भूलने कारण नास्तिक बन पड़े हैं। सब अपनी अपनी परिभाषा बताते हैं, अपने अपने तरह से बताते हैं, अलग अलग तरह से महिमा करते हैं,
यथार्थ कोई जानते नहीं है। तभी तो हर घर में रोला है, रोना भी तभी है। तो बाबा कहते हैं कि मुझे भूल गए इसलिए नास्तिक बन पड़े, रोला है घर घर में। बेहद के बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बेहद का बाप समझाते हैं तुम नास्तिक क्यों बने हो। बेहद का बाप जिसको गॉड फादर कहते हो, ऐसे फादर को क्यों भूले हो। फादर का तो ऑक्यूपेशन जानना चाहिए, वह है बीज रूप सच्चित आनंद। सच्चिदानंद कहते हैं ना, सच्चित आनंद सत्य है, अविनाशी है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर। सब शिफ्ते उनमें हैं, सब शिफ्ते माना सब विशेषताएं, सब गुण उनमें हैं। वह है बीज रूप सच्चिदानंद, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। सब शिफ्ते उनमें हैं, उनकी शिफ्ते अलग हैं, बाबा की विशेषताएं अलग हैं। उनको ही कहा जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। तो जरूर वह माँ बाप होगा ना, जब तक अल्प को नहीं जाना है तब तक सीधा हो नहीं सकते। भगवान को नहीं जानते इसलिए देखो बिगड़े हुए हैं। सीधे कैसे होंगे, जब भगवान को जानेंगे, अल्प को जानेंगे, अल्लाह को जानेंगे, गॉड को जानेंगे, ईश्वर प्रभु को जानेंगे, निराकार को जानेंगे, तब सीधे होंगे। यह तो जानते हो कि सतयुग में भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते थे। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वह समझेंगे कि बरोबर लक्ष्मी नारायण इस भारत के पहले पहले मालिक थे। 5000 वर्ष की बात है। देखो बाप टीचर जब समझाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि बच्चे अच्छी तरह सुनते धारण करते हैं या बुद्धि योग और कहाँ भटकता है। बाबा सामने बैठे हैं, बच्चे उनके सामने बैठे हैं, तो बाबा को तो दिखता है ना कि कौन ध्यान से मुरली सुन रहा है, कौन क्या कर रहा है। जैसे भक्ति मार्ग में भले श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठे होंगे परंतु बुद्धि धंधे आदि तरफ धक्का खाती रहेगी, एकाग्र चित्त उस चित्र में भी नहीं रहेंगे। कृष्ण का चित्र देखें तो भी एकाग्र चित्त नहीं होते। आजकल तो मोबाइल में न जाने क्या क्या चित्र देखते रहते हैं, कहाँ से एकाग्रता होगी। तो बाबा कहते हैं भले ही पूजा करें, मंदिर में बैठे, लेकिन मन भटकता रहता है, चित्त एकाग्र नहीं रहता, एक में टिकते ही नहीं है। यहाँ भी पूरी पहचान नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं होती है। भगवान को जान ही नहीं रहे हैं, निश्चय है ही नहीं, तो कैसे उनकी बात पर निश्चय करके धारणा करेंगे। तो पहचान ही नहीं है तो धारणा भी नहीं होती। शिव बाबा यह माया को वश करने का वशीकरण मंत्र देते हैं। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, कौन सा वशीकरण मंत्र है, कहते हैं तुम अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करो। मन मना भव हो गया ना, बुद्धि का योग उनके साथ लगाओ। अभी तुम्हारा बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए, बुद्धि योग बाप के साथ लटका रहना चाहिए, क्योंकि तुम सबको मेरे पास आना है। अब जहाँ जाना है, जिनके साथ जाना है, बाबा कहते हैं बुद्धि योग उनके साथ, उनके पास, उनकी तरफ ही होना चाहिए। बुद्धि योग बाप के साथ लटका रहना चाहिए, क्योंकि तुम सबको मेरे पास आना है। मैं पंडा बन आया हूँ तुमको ले चलने लिए। यह शिव शक्ति पांडव सेना है, तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले। वह है सर्वशक्तिमान। तो लोग समझते हैं परमात्मा तो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, भगवान में ताकत है, वो तो मरे को भी जिंदा कर दे। परंतु बाप कहते हैं लाडले बच्चे इस ड्रामा में हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर हूँ। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी नहीं कर सकते। ड्रामा के पार्ट को तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता परमात्मा के हुक्म से चलता है। पत्ता पत्ता क्या बाबा बैठ के पत्ता हिलाएंगे? बाबा बीज हैं, हम क्या हैं? इस कल्प वृक्ष के जड़ में, तना में टाल टालियां हैं, फिर और पत्ते हैं। तो जब बाबा आते हैं तो सबको जगाते हैं, हर आत्मा को पता पड़ता है, हर पत्ता जाग जाता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि भक्ति में ऐसे ही कह दिए कि पत्ता पत्ता परमात्मा के हुक्म से चलता है। क्या हर पत्ता, हर आत्मा बाबा का कहना मान रही है?
बाबा के हुक्म से चल रही है, बाबा तो आके बोल रहे हैं सब जागो, तो क्या पत्ता हिल रहा है, हुक्म से चल रहा है, जाग रहा है? क्या परमात्मा बैठ पत्ते पत्ते को हुक्म करेंगे? पत्ता मना, हर आत्मा बाबा आते हैं ना, बाबा बीज रूप, जिसको की भक्ति में स्थूल समझ लिया कि पत्ता भी हिले मना भगवान की इच्छा। तो परमात्मा खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे, ये तो हवा चलेगी तो पत्ते हिलेंगे, बाबा थोड़ी कहते पत्ते तुम हिलो। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है, बाप के ज्ञान से भारत फिर सिरताज बनता है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को कंगाल बना दिया, देखो हम क्या से क्या बन गए, फिर बाबा आते हैं हमें ज्ञान देते हैं और भारत फिर से सिरताज बनता है। तुम बच्चे जानते हो दिलवाड़ा मंदिर भी ठीक बना हुआ है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर, आदि देव दिलवाला है, सारे सृष्टि की दिल लेने वाला आदि देव, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव स्वामी, मूल नायक में उनकी मूर्ति ब्रह्मा बाबा। तो आदि देव दिलवाला है, सारे सृष्टि की दिल लेने वाला, भक्तों की दिल लेने वाला एक भगवान कहेंगे ना, यह उन्हों के ही यादगार हैं। ऊपर में है देवताओं के चित्र और नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, 108 बच्चे आसन लगाकर बैठे हैं शिव बाबा की याद में, उन्होंने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया रामराज्य चाहिए, परंतु उस रामराज्य नई दुनिया में तो है पवित्रता, वह तो कर न सके, कोई भी मनुष्य आत्मा देहधारी पूरी दुनिया को पवित्र बना सकता है? वो तो समझते हैं कि पवित्र रह नहीं सकते, आग कपू से एक साथ इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते, बाबा आते हैं बाबा ही सबको पवित्र बनाते हैं, पवित्र बनकर ही तो जाएंगे ना सब, चाहे योग बल हो चाहे सजा बल हो। तो पतित सृष्टि को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है, कोई मनुष्य यह कार्य कर ना सके। इनके लिए भी कहते हैं बहुत जन्मों के अंतिम जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ तो यह पतित ठहराना, दादा लेखराज जी ब्रह्मा बाबा गृहस्थी थे पतित थे, तब तो बाबा आए ना, तब फिर उनको पवित्रता का पॉइंट समझ में आया, फिर देखो कैसे न्योछावर हो गए। तो जो पावन थे वही पतित बने हैं, फिर पावन बनते हैं, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, जो पुजारी भक्त बने हैं भगवान भक्तों को ही मिलते हैं, भगवान भक्तों को ही मिलते हैं। हमारी भक्ति पूरी हो गई, भगवान मिल गए, फल मिल गए है ना, भक्ति का फल है भगवान आकर देते हैं ज्ञान। तो बाबा कहते हैं बाकी वह जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि पाठ बजाने से मुक्त हो जाए, परंतु मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है, जन्म मरण से न्यारे हो जाए, इस चक्र में आए नहीं, ऐसा मोक्ष नहीं है। मोक्ष एक अवस्था है, स्थिति है, कि जब हम जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं वो है मोक्ष। पाठ बजाने तो सबको आना ही पड़ेगा ना, पूरे कल्प में एक बार तो आना ही है, भले ही एक जन्म हो या मैक्सिमम 84 जन्म हो। तो बाबा कहते हैं भक्तों को राजी करना पड़ता है, भक्तों को राजी करना पड़ता है। भगवान कहते हैं मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता, मुझे भी सर्विस पर आना पड़ता है। जब परमात्मा को ही आना पड़ता है तो आत्माओं को तो आना ही पड़ेगा ना, खेल खेल में जीवात्मा बनते हैं हम। तो बाबा कहते हैं भक्तों को राजी करना पड़ता है इस भारत को मालामाल बनाने, गवाया हुआ स्वराज्य फिर से देने, सॉल्वेंट बनाने, मुझे भी पतित शरीर में पतित दुनिया में आना पड़ता है, अनेक बार आया हूँ और आता रहूँगा, भारत को गुलगुल बनाऊंगा। देखो बच्चों के प्यार में स्नेह में और अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए बाबा को पवित्रता के सागर को पतित दुनिया में आना पड़ता है, बाबा कहते मैं आया और आता रहूँगा।
भारत को गुल गुल बनाऊंगा, यह है ही आसुरी दुनिया, उनको दैवी बनाता हूँ, जो जो मुझे पहचानेंगे वही वर्षा लेंगे। शिव बाबा कल्प कल्प भारत को वर्षा देने आते हैं, उनकी जयंती आजकल मनाते नहीं, कैलेंडर से हॉलीडे भी निकाल दी है। बाबा को ये कंप्लेन है सरकार से कि मेरे बर्थडे पर हॉलीडे नहीं करते हैं, शिव जयंती पे, शिवरात्रि पे। तो वास्तव में तो एक ही शिव जयंती मनानी चाहिए और सबकी जयंतियां मनाना वर्थ नॉट पैनी है। बाकी सबकी जयंती मनाते हैं, छुट्टी करते हैं, कोई मतलब नहीं उसका। बाबा कहते हैं कोई वैल्यू नहीं है, मेरी जयंती मनाओ, मेरा बर्थडे मनाओ, खुशी मनाओ, छुट्टी मनाओ। लेकिन करते ही नहीं है ऐसे, क्योंकि जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। एक परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मनाना वर्थ पाउंड है, क्योंकि वह भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं। उसके पीछे बाबा लॉजिक भी देते हैं, कारण भी देते हैं कि औरों ने क्या किया, मैंने तो भारत को सोने की चिड़िया बनाया, बाकी सब ने तो कंगाल बना दिया, पतित बनाने में सहयोग दे रहे हैं दुनिया को, और उनके बर्थडे की आप लोग छुट्टी मना रहे हो, खुशी मना रहे हो, और मैं सोने की चिड़िया बनाता हूँ भारत को, तो मैं सबको पावन बनाता हूँ, तो फिर किसकी जयंती की वैल्यू है? तो ये बात गवर्नमेंट से करनी चाहिए, हमें समझानी चाहिए। महिमा उस एक की है, मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, फिर भी एक से राजी थोड़ी होते हैं। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, फिर भी एक से राजी थोड़े ही होते हैं, सब जगह भटकते रहते हैं। चले जाओ कि एक स्थान पर नहा लो, वहां पे सोचो पाप धुल गए, फिर क्यों इधर उधर जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं करते हैं। सिद्ध करते हैं बरोबर हम पतित हैं, जा जाके नहा रहे हो, माना प्रूव हो गया कि आप पतित हो, तभी तो पावन होने जा रहे हो। तो ज्ञान सागर तो एक ही परमात्मा है, जिससे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो, तुम्हारे ही नाम है सरस्वती गंगा जमुना, गंगा नदी पर भी मंदिर बना हुआ है, वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम देवता नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो, गंगा के नाम पर देवता का चित्र भी रख दिया है। देखो पूजते हैं ना उनको भी, मानते तत्वों को भी क्या मानने लग गए, देवी देवता, उन्हों को तो पता नहीं है। ज्ञान गंगाएं तुम शक्तियां हो, तुम अब मनुष्य से देवता बन रही हो इस राजयोग से, सच्चा योग यह है, बाकी तो सब अल्पकाल हेल्थ के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं, यह एक ही बाबा के साथ योग लगाने से हम एवर हेल्दी बनते हैं। अब बाप बैठ भारत को हेवन बनाते हैं, जब तक अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा नहीं समझा है तब तक वर्षा मिल न सके, और सब हैं ब्रदर्स। भारतवासी फिर कह देते हम सब फादर्स हैं, ईश्वर के रूप हैं, शिवोहम तत्त्व त्वम, अहम शिवोहम कहते हैं, है ना, कह देते हैं हम ही फादर हैं, हम ही ईश्वर हैं, हम ही भगवान हैं, तो अहम शिवोहम तत्त्व त्वम। बाबा ये कहे तो समझ में आए ना कि मैं भी आत्मा हूँ और तुम सब भी आत्माएं हो, लेकिन मैं परमात्मा हूँ, मेरा नाम शिव है, हम सबका नाम शिव तो नहीं है ना, हम तो उनके बच्चे हैं। तो भारतवासी फिर कह देते हैं हम सब फादर से ईश्वर के रूप हैं, शिवोहम तत्त्वम, हम भी भगवान तुम भी भगवान। अब फादर्स जो सब दुखी हैं उनको सुख का वर्षा मिले कहाँ से, कितना घोर अंधकार है, यही है रात, ज्ञान है दिन, यह सब बातें समझने की हैं। तो पहले समझना है फिर औरों को समझाना है। बच्चे तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वह है जिस्मानी सोशल वर्कर्स, तुम रूह को इंजेक्शन लगाते हो कि रूह प्योर बन जाए, बाकी तो सब जिस्मानी सेवा करते हैं, बाप बैठ समझाते हैं कितना फर्क है, तुम गॉड को याद कर गॉड गॉडेस बन रहे हो, भगवान खुद कहते हैं लाडले बच्चे मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूँ। देखो हम कहते हैं ना भगवान सर्वशक्तिमान, बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूँ, मैं हूँ सेवाधारी, अब मैं जो कहता हूँ सो मानो। देखो गुलाम कहना मानता है या मालिक कहना मानता है, बाबा ने अपने आप को गुलाम कहा, माना हम सब मालिक हो गए, तो हम तो विश्व के मालिक बनने भी वाले हैं, बाबा हमेशा बच्चों को अपने से आगे रखते हैं, लेकिन कितना क्यूट है बाबा, देखो बाबा कहते हैं मैं गुलाम हूँ लेकिन तुम लोग मेरा कहना मानो,
तो हमें तो पता है ना बाबा क्या है, हम गुलाम मानेंगे बाबा को, पर बाबा इतने निरहंकारी हैं कि अपने आप को गुलाम कहते हैं। भक्ति में तो हम कहते आए ना सबका मालिक एक, तो उस लिहाज से भी जब सबका मालिक एक है, वो मालिक है, तो हमें उनका कहना मानना चाहिए। लेकिन बाबा निरहंकारी, बाबा कहते हैं मैं तो गुलाम हूँ, अब मैं जो कहता हूँ सो मानो, इतना बुलाए भी तो हमने, भगवान को पुकारा भी है, तो उसको श्रीमद् भगवत कहते हैं। क्या मानना है? बाबा की श्रीमद्। ऊंचे से ऊंचे वह है, कोई कहे ब्रह्मा जयंती ऊंचे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाला, उनसे कार्य कराने वाला शिव बाबा है ना, नहीं तो नई सृष्टि कैसे बने। सबसे ऊंच जयंती है ही त्रिमूर्ति शिव की, शिव आते ही हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ। बाबा स्थापना पालना और विनाश का कार्य कैसे करते हैं? तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ बाबा आते हैं। इस ड्रामा में बाबा की एंट्री कैसे होती है? पूरी प्लानिंग के साथ है ना, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ तो उनकी ही जयंती मनाई जा सकती है। बाबा है रचयिता, बाकी तो सब रचना है। तो आजकल तो कुत्ते बिल्ली सबकी जयंती मनाते रहते हैं, देखो अपने अपने पेट का कैसे बर्थडे मनाते हैं, वो भी पार्टी होती है। देखते ही होंगे सब यूट्यूब में वीडियोस, फेसबुक में देखो कितने वीडियोस आते हैं, कुत्ते बिल्ली सबकी जयंती मनाते हैं, कुत्तों को भी कितना प्यार करते हैं, अलग से स्पा है, मसाज पार्लर है उनका, लेकर जाते हैं। देखो कुत्ता भी कितना तकदीरवान है, नसीब वाला है, इसको सब देख के मनुष्य लोग कहते हैं ना काश हम कुत्ते ही होते। देखो वो भी संकल्प चलते हैं कि इससे तो हम कुत्ते ही होते तो ऐसी गाड़ियों में घूमते, हमसे अच्छे तो कुत्ते ही हैं। देखो क्या क्या सोच है लोगों की। तो बाबा कहते हैं कुत्तों को भी कितना प्यार करते हैं, आजकल की दुनिया देखो क्या है, कहेंगे सतयुग में यह शेर आदि नहीं होंगे, कायदा नहीं कहता, सतयुग में मनुष्य भी बहुत थोड़े होंगे तो जानवर आदि भी थोड़े होते हैं, बीमारियां भी पहले इतनी थोड़ी थी, अभी तो कितनी ढेर बीमारियां निकल पड़ी हैं, तो यह जानवर आदि पीछे वृद्धि को पाते हैं। सतयुग में गायें भी बड़ी अच्छी होती हैं, कहते हैं श्री कृष्ण ने गौएं चराई, ऐसे नहीं कहते, सतयुग में ऐसी फर्स्ट क्लास गायें थी, देवताओं के लिए वहाँ हीरे जवाहरों के महल होते हैं और यहाँ हैं ठिक्कर बिक्कर के। देखो कहाँ कहाँ के कोटा स्टोन लगाते हैं और मार्बल्स वगैरह लगाते हैं, शाइनी पत्थर लगाते हैं, तो वहाँ तो क्या होंगे, हीरे जवाहरों के महल होंगे ना, यहाँ तो टिक्कर बिक्कर के हैं, रेत है, सीमेंट है, ये सब है, पत्थर है। तो यह सब समझने की बातें हैं, जो समझ जाएंगे वह कभी स्कूल छोड़ेंगे नहीं। एम ऑब्जेक्ट समझने बिगर कोई आकर बैठे तो भी समझ नहीं सकेंगे, पता ही नहीं है कि यहाँ क्या बन रहे, क्या पढ़ाई चल रही है, कौन पढ़ा रहा है, तो कैसे इंटरेस्ट आएगा। सब चीज की जानकारी हो, अनुभव हो, निश्चय हो, तब तो हमेशा बैठे ना, और बैठेंगे नहीं तो निश्चय कैसे होगा, चलेंगे ही नहीं तो अनुभव कैसे होगा। लेकिन छोड़ के चले जाते हैं, एम ऑब्जेक्ट समझते ही नहीं है। जहाँ भी सत्संग में जाते हैं वहाँ एम ऑब्जेक्ट कुछ होती नहीं, या तो पाठशाला है, पाठशाला में तो जरूर एम ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तुम एम ऑब्जेक्ट को जानते हो, जिनकी तकदीर में नहीं होगा उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी टपकेगा ही नहीं। तकदीर में ही नहीं है तो ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा, और ज्ञान समझ में आएगा ही नहीं तो तकदीर बनेगी भी नहीं, दोनों ही बातें हैं। तो जीवन मुक्ति में भी थोड़े ही आएंगे, सबको तो आना नहीं है, ड्रामा में यही पार्ट है। पिछाड़ी वाले स्वर्ग में आ ना सके, और जो लास्ट में आत्माएं आई हैं उनका तो फिर लास्ट में आने का ही रोल है ना, द्वापर के बाद से जो आए तो वो सत्युग त्रेता में तो आ ही नहीं सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बुद्धि योग सदा एक बाप में लगा रहे, पुराने घर पुरानी दुनिया में बुद्धि न जाए, ऐसी एकाग्रचित्त अवस्था बनानी है, एक को ही आगे रखना है, एक में ही चित्त लग जाए। दूसरा, बाप की सर्व शिफ्तें स्वयं में
धारण करना है। बाबा में जितने गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो हम में भी होने चाहिए। हर आत्मा पर ज्ञान के छीटे डाल, उनकी तपत बुझाए शीतल बनाना है। वरदान, हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भाव। हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भाव। बाबा समझाते हैं, जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक प्यार अटूट और अखंड हो। बाबा से प्यार है तो परिवार से भी, बाबा के बच्चों से भी प्यार होना चाहिए। किसी के कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। ये बात बहुत ध्यान देने की है। बाबा ने कहा, बाबा ने हर एक आत्मा को चुनकर लाया है, तो क्या बाबा गलत है जो हम किसी के ऊपर उंगली उठा देते कि ये ऐसा क्यों ऐसा क्यों? बाबा ने ये परिवार बनाया है, बाबा ने चुना है, तो बाबा तो गलत नहीं हो सकते ना। तो उस आत्मा में क्या शिफ्ट है, क्या विशेषताएं हैं, बाबा ने क्यों चुना है, ये बात हमें ढूंढनी है, समझनी है। बाबा कहते हैं, यह स्मृति रहे कि बाबा ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरी परिवार में लाया है, ये ईश्वरी परिवार है। यह स्मृति रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। कितना अच्छा पॉइंट दिया बाबा ने कि बाबा ने चुना है, गॉड इलेक्टेड, गॉड सिलेक्टेड सोल्स हैं सब, तो बाबा की गलती तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं ना, बाबा पर शक कर सकते हैं क्या? तो बाबा कहते हैं कि जब ये विश्वास हो कि बाबा ने चुना है, ये याद रहे, तो हर आत्मा से प्यार अटूट होगा और स्नेह संपन्न व्यवहार होगा, और जब ऐसा व्यवहार होगा सहयोग मिलेगा, सहयोग मिलेगा तो सफलता तो मिलेगी मिलेगी। स्लोगन है, अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। इतनी शक्तिशाली आत्मा, बाबा कहते हैं अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। तो कौन सा मौन? मन का मौन, मुख का मौन और मोबाइल का मौन भी। जब चाहे यूज करो और एक सेकंड में बिल्कुल फुल स्टॉप, नहीं जरूरत है तो ये सब चीजों से ओम शांति मौन। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के शब्द हैं। पहला है शीतल देवी, तो हमें याद रखना है ज्ञान के छींटे डालने हैं सब पर, सबको ठंडा ठंडा कूल कूल शीतल देवी बनना है। दूसरा है शिफ्टें, विशेषताएं, जो बाबा में गुण है विशेषताएं हैं वो हमें अपने अंदर लाने हैं और हर आत्मा की विशेषता हमें देखनी है। तीसरा है गुलाम, बाबा ने कहा गुलाम, लेकिन हमें पता है बाबा मालिक, तो बल्कि बाबा की श्रीमत पालन करना है, हमें कहना है जो हुक्म मेरे आका, तो हमें गुलाम बनना है। बाबा तो इतने निरहंकारी कि बाबा ने कहा मैं गुलाम हूँ। चौथा है आत्मिक अटूट प्यार, हर एक आत्मा से हमारा आत्मिक अटूट प्यार हो, क्योंकि बाबा ने चुना है, जैसे बाबा से प्यार वैसे परिवार से भी प्यार। और पांचवा है अंतर्मुखी, जब चाहे वाचा में आए, जब चाहे आवाज से परे, निर्वाण। ओम शांति।